सीरीज में लीड रोल में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति देखने को मिलने वाले हैं। सीरीज की स्टोरी में अपनी गरीबी और कर्ज से परेशान लड़का फेक करेंसी प्रिंट करने का बिजनेस स्टार्ट करता है, पर उसकी वजह से उसके साथ क्या होता है यही सब हमें सीरीज में देखने को मिलने वाला है। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में कुछ लोग सनी और उसके दोस्त फिरोज को पकड़कर लेकर आते हैं और उनसे 500 रुपए के फेक नोट के बारे में पूछते हैं, केक किसने बनाया है। और उसके बाद फिर हमें फ्लैशबैक में सनी की लाइफ दिखाई जाती है, जो कि एक आर्टिस्ट होता है और वो सारे फेमस आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग्स की कॉपी बनाता था। वो इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट था कि वो कई सारे फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की हूबहू कॉपी बना सकता था और उन्हें बनाकर वो रोड साइड बेचा करता था, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे अर्न हो जाते थे। और ये हुनर उसने अपने नानू से सीखा था। इसके अलावा सनी के नानू अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते थे जो काफी पुरानी थी, और उसमें वो क्रांति पत्रिका को छापा करते थे, जिसके जरिए वो देश में विचारों की क्रांति लाना चाहते थे। पर उनकी पत्रिका वहां पर कोई भी नहीं पढ़ता था, पर फिर भी उन्हें यकीन था कि वो एक दिन अपनी इस पत्रिका के जरिए लोगों की सोच को जरूर बदलेंगे। दरअसल बचपन से ही सनी और फिरोज सड़कों पर खड़े होकर इस क्रांति पत्रिका को बेचने की कोशिश करते आ रहे थे, पर इससे उन्हें सिर्फ कुछ पैसे ही मिल पाते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग उनकी इस पत्रिका को खरीदते ही नहीं थे। तब से ही उन्होंने पैसे बचाना शुरू कर दिया था, पर पैसे नहीं होने के बावजूद भी उनके सपने बहुत बड़े थे। वो दोनों हमेशा राह चलते लोगों के सामान के प्राइस लगाते रहते थे और सोचते थे कि एक दिन काश उनके पास भी कॉस्टली सामान होंगे। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में सनी की एक रिच गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम रोजी था, और उसके साथ कभी कभी सनी को पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों में बैठकर किस करने का मौका मिल जाता था, पर वो हमेशा उसके पास पैसे नहीं होने के लिए स्वीटली टॉन्ट करती रहती थी। एक दिन उसने वेलोसिटी क्लब में न्यू ईयर की पार्टी के लिए सनी से कहा था, पर जब सनी टिकट लेने उस क्लब में पहुंचा तो वहां पर एक टिकट 27,000 रुपए की थी, और सनी के लिए इतने पैसे अरेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए वो वहाँ के मैनेजर से झगड़ा करके वापस आ गया, क्योंकि मैनेजर ने उसे उसकी औकात की वजह से इंसल्ट किया था। तब सनी और फिरोज ने सोच लिया था कि वो एक दिन पैसे कमाकर इस क्लब में जरूर आएंगे, पर जब इस बारे में रोजी को पता चला तो वो अपने फ्रेंड के साथ सनी को छोड़कर क्लब चली गई, और इस बात से सनी को बहुत बुरा लगा था। सनी जैसे मिडिल क्लास इंसान के लिए इस तरह के शौक रखना ही एक बड़ी बात थी, पूरा करना तो दूर की बात थी। वैसे भी एक मिडिल क्लास पर्सन अमीरों को इंटरेस्ट गवर्नमेंट को लोन देते हुए ही निकल लेता है और अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डे जब सनी प्रेस में आता है तो उसे पता चलता है कि उसके नानू ने अपने एक फ्रेंड रतन से कुछ पैसे उधार लिए थे प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए, पर उनकी प्रिंटिंग प्रेस चल ही नहीं रही थी, इसीलिए अब रतन उनसे विद इंटरेस्ट पैसे मांग रहा था, वरना वो उनकी प्रिंटिंग प्रेस को बेचने के लिए बोल रहा था, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान थे। और नानू को लग रहा था कि उनकी इतने सालों की मेहनत अब इस क्रांति प्रेस के साथ ही खत्म हो जाएगी। हालांकि सनी और फिरोज ने पैसे अरेंज करने की बहुत कोशिश की थी, पर इतने सारे पैसों का इंतजाम कर पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो दोनों रतन के पास थोड़ा और टाइम मांगने के लिए पहुंचे। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद रतन ने उन्हें एक महीने का टाइम और दे दिया। अपने नानू की हालत देखकर सनी को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसने फिरोज से किसी भी तरह पैसे को अरेंज करने का प्लान बनाने को कहा, और उसके लिए फिरोज अपने एक फ्रेंड अनीस के पास गया। अनीस हमेशा नंबर दो के काम करता रहता था, इसलिए उसने फिरोज को अपने एक फ्रेंड मांजा से मिलवाया, जो कि डुप्लीकेट आइटम्स बनाकर मार्केट में सप्लाई करता था। और उस टाइम मांजा को एक आर्टिस्ट की जरूरत भी थी जो डुप्लीकेट आइटम्स की डिजाइन बना सके। पर जब इस बारे में फिरोज ने सनी को आकर बताया तो सनी के दिमाग में आइडिया आया कि डुप्लीकेट आइटम्स बनाकर पैसे कमाने से तो अच्छा है कि वो खुद ही डुप्लीकेट पैसे ही बना ले। यानी सनी फेक करेंसी प्रिंट करने की बात कर रहा था। पहले तो फिरोज को ये सब बुलशिट आइडिया लगा, पर सनी के कॉन्फिडेंस को देखकर उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। डिजाइन बनाने में तो सनी हमेशा से ही एक्सपर्ट था और प्रिंटिंग का मास्टर फिरोज था, इसलिए दोनों ने मिलकर काफी रिसर्च के बाद एक फेक 500 रुपए का नोट रेडी किया, जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद आए न्यू नोट्स की तरह ही था। अब काफी मेहनत के बाद जब उन्होंने कुछ करेंसी बना ली तो उसे लेकर वो दोनों एक ठेके पर शराब की बोतल लेने गए, पर जैसे ही उन्होंने उसे नोट दिया उसने पहचान लिया कि नकली नोट है, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गया। पर वो दोनों बड़ी मुश्किलों के साथ वहां से अपनी जान बचाकर भाग आए, और उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत खराब हो गई।
पर सनी के दिमाग में अभी भी यही जुनून था कि वो इससे बेटर नोट बनाकर रहेगा। दूसरी तरफ हमें मंसूर दलाल दिखाया जाता है, जो कि एक गैंगस्टर और फेक करेंसी का बेताज बादशाह था। उसकी फेक करेंसी का बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता था, और हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर माइकल को पता चला था कि मंसूर एक डील के लिए इंडिया आया हुआ है। इसीलिए माइकल अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गया, जहां पर माइकल ने मंसूर को उसके साथी के साथ पकड़ ही लिया था। पर जैसे ही वो उसे लेकर आ रहा था, रास्ते में मंसूर के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया और शूटआउट में माइकल का एक ऑफिसर मारा गया और मंसूर उनकी कैसे भाग निकला। इससे माइकल को बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ सनी और फिरोज को पता चला कि उन्होंने जो नोट बनाया था उसकी डिजाइन तो एकदम कॉपी ही थी, मगर जो पेपर उन्होंने उसे बनाने के लिए यूज किया था वो अलग था, जिसकी वजह से ही उनका नोट पकड़ा गया था, जिसे टच करके महसूस किया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे पेपर्स को टच करके महसूस किया कि नोट वाला पेपर उन्हें कहां पर मिल सकता है, और कई सारे पेपर्स को टच करने के बाद उन्हें एक पेपर ऐसा मिल गया जिसे वो नोट बनाने में यूज कर सकते थे, पर वो पेपर काफी पतला था। इसीलिए उन्होंने दो पेपर्स को मिलाकर काम करना चाहा, जिसमें वो दो अलग पेपर्स पर दोनों साइड नोट की प्रिंट करते और फिर उन दोनों पेपर्स को मर्ज करके एक नोट बना देते। अब जब इस तरह से उन्होंने नोट रेडी किया और उसे लेकर शराब की बोतल खरीदी, तो वो नोट इजीली मार्केट में चल गया, और इससे उन्हें बहुत खुशी मिली क्योंकि उनकी इन्वेंशन पूरी जो हो गई थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जिसने सनी और फिरोज को पकड़ा था वो मंसूर ही था, और उसके कहने पर सनी को डराने के लिए उसके लोग फिरोज पर गोली चला देते हैं, पर वो बच जाता है। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में सनी जब 15 साल का था, तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, और उसके डैड कुछ इलीगल काम किया करते थे, जिसकी वजह से उसे अपने डैड के साथ हर टाइम अपनी लोकेशन चेंज करते रहना पड़ता था। एक बार उसके डैड ने कहा था कि वो उसे इस बार उसके नानू के पास लेकर जा रहे हैं, पर ट्रेन में उसके डैड उसे सोता हुआ छोड़कर चले गए। उन्होंने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर लिया था, और सिटी पहुंचने के बाद सनी प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर अपने डैड के वापस आने का इंतजार करने लगा। पर उसके डैड जब कई दिनों तक लौटकर नहीं आए, तो उसे एक दोस्त फिरोज मिला, जिसने उसके साथ काम करने का आइडिया उसे दिया। वो वहां पर कुछ ड्रॉइंग्स बनाता था और फिरोज लोगों से पैसे कलेक्ट करता था उस ड्रॉइंग्स को देखने के लिए। इससे वो दोनों अपना पेट भरने लगे थे। पर एक दिन सनी को ढूंढते हुए उसके नानू वहां पर आए, और वो सनी के साथ फिरोज को भी अपने साथ ले गए। अब प्रेजेंट सीन में हम एक आरबीआई ऑफिसर मेगा को देखते हैं, जिसने एक CT600 नाम की चिप बनाई थी, जो किसी भी पैसे काउंट करने वाली मशीन में इंस्टॉल होकर फेक करेंसी को पहचान सकती थी। दरअसल वो काउंटरफीटिंग पर ही कई साल से रिसर्च कर रही थी, और वो इस बारे में अपना प्रेजेंटेशन मिनिस्टर गहलोत को देती है, पर उन्हें अपने इलेक्शन के अलावा इन सब में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं था। तभी उनके पास माइकल आता है और वो उनसे एक टीम देने के लिए कहता है। वो इस काउंटर फिटिंग को रोकने और मंसूर को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण करना चाहता था, पर मिनिस्टर उसे भी इसके लिए परमिशन नहीं दे रहे होते हैं। उधर सनी और फिरोज ने फेक करेंसी तो बना ली होती है, पर उन्हें अब इसे बेचने के लिए डीलर की जरूरत थी। इसलिए फिरोज अनीस के पास आता है, और तब माजा के थ्रू अनीस एक डीलर से सनी और फिरोज को मिलवाता है। वहां पर सनी के नोट को देखने के बाद वो डीलर उसे 2 करोड़ रुपए प्रिंट करने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए उसे 500 के नोट को 150 रुपए में खरीदने को रेडी होता है। सनी इसके लिए डील डन कर देता है। और उधर माइकल के पास मिनिस्टर गहलोत के कुछ न्यूड फोटोज होते हैं किसी लड़की के साथ, इसीलिए वो उससे गहलोत को ब्लैकमेल करके अपनी टीम देने के लिए कहता है। और उधर सनी 2 करोड़ फेक करेंसी प्रिंट करने के लिए अपने साथ क्रांति प्रेस के मैनेजर यासीर को भी मिला लेता है। पहले तो वो इसके लिए एग्री नहीं होते हैं, पर जब सनी उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहां पर अपने द्वारा बनाए गए नोट से कुछ ऑर्डर करता है और पकड़ा भी नहीं जाता है, तो उन्हें उस पर यकीन आ जाता है और वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रतन के कर्जे को लौटाकर क्रांति प्रेस को बस बचाना था, पर उनके पास इसके लिए पैसे ही नहीं थे। इसीलिए सनी फिर से रतन के पास जाता है और उनसे कुछ और पैसे उधार मांगता है, और उन्हें उनके सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ 1 महीने में लौटाने के लिए भी कहता है। उसकी बातों पर यकीन करके रतन उसे पैसे दे देते हैं, और दूसरी तरफ गहलोत माइकल से परेशान होकर उसे उसकी टीम देने की परमिशन दे देता है, पर उसकी शर्त थी कि इससे उन्हें आने वाले इलेक्शन में फायदा भी मिलना चाहिए। और उधर सनी अपनी प्रिंटिंग प्रेस में 2 करोड़ रुपए छापने में लग जाता है, पर उसे उसके लिए बहुत सारे पेपर्स की जरूरत थी। और जब वो बल्क में इतना ज्यादा पेपर खरीदने की कोशिश करता है, तो फैक्ट्री वाला बिना गवर्नमेंट प्रूफ के उसे मना कर देता है।
इसीलिए वो लोग अनीस के साथ मिलकर उस फैक्ट्री में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और रात में फैक्ट्री में जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर वहां से पेपर चोरी करके ले आते हैं और उनसे 2 करोड़ रुपए छापकर अपनी डील को पूरा करते हैं। साथ ही इस डील से उन्हें जो पैसा मिलता है उसे वो रतन को देकर सारा कर्जा चुकाकर क्रांति प्रेस को छुड़ा लेते हैं। इससे नानू अब बहुत खुश होते हैं, पर जब वो इतने सारे पैसों के बारे में उससे पूछते हैं तो सनी बोल देता है कि उसने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, वहीं से उसने एडवांस में इतने पैसे लिए थे। अब इसके बाद सनी रोजी को एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहां पर खुद ही पेमेंट करके खुशी महसूस करता है। उधर मेघा अपनी माँ के जिद करने पर एक डॉक्टर लड़के से मिलने उसी रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर सनी रोजी के साथ आया था। वहाँ पर खाना खाने के बाद जब वेटर उसे चेंज देता है तो उसे वो ही फेक नोट मिल जाता है जिसे सनी ने दिया था और वो तुरंत उसे पहचान लेती है कि वो फेक है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे। और उसके बाद वो उस नोट को अपने साथ ले जाती है। उधर यासिर अब इस काम को बंद करने के लिए सनी से कहता है, पर सनी उन्हें एक लास्ट बार काम करने के लिए मना लेता है। और उधर मेगा सनी के नोट को आकर टेस्ट करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये 2 पेपर्स को मर्ज करके बनाया गया है, यानी ये किसी प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया नोट है। और यहीं पर 2nd एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 3rd एपिसोड के स्टार्टिंग में माइकल अपनी एक टास्क फोर्स की यूनिट रेडी करता है जिसमें वो सारे डिपार्टमेंट से बेस्ट ऑफिसर अपॉइंट करता है और उस यूनिट का नाम सीसी फाल्ट रखा जाता है, जिनका मकसद मंसूर और उसकी टीम को पकड़ना होता है। और उधर मेगा सनी वाले नोट के इन्वेस्टिगेशन की परमिशन अपने बॉस से मांगती है, पर वो इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनका काम सिर्फ एनालिसिस करके पुलिस की हेल्प करना था। दूसरी तरफ डीलर सनी को गुजरात के MLA से जाकर मिलवाता है जिसे एक बल्क में फेक करेंसी चाहिए थी और सनी इस डील के लिए भी ओके कर देता है। पर उन्हें इस डील में उस फेक करेंसी को बॉर्डर क्रॉस करके खुद ही गुजरात में MLA के अड्डे तक पहुंचाना था, जिसमें काफी ज्यादा रिस्क था और इसीलिए यासिर इसके लिए सनी से मना करता है, पर फिर भी सनी उन्हें हमेशा की तरह मना ही लेता है। उधर माइकल फेक करेंसी से अपने बेटे ब्योम के लिए आईफोन लेकर आता है। दरअसल माइकल की वाइफ रेखा ब्योम को लेकर अलग रहती थी, एक तरह से उनका डिवोर्स हो चुका था और वो किसी और लड़के से जल्दी ही शादी भी करने वाली थी, पर फिर भी माइकल अपने बेटे से मिलने जाता रहता था, पर उसकी रेखा के साथ कभी भी बनती ही नहीं थी। उधर सनी और फिरोज एक MKG पब्लिशिंग नाम से कंपनी खोलते हैं ताकि लोगों की नजर में वो व्हाइट मनी अर्न कर सके और उसके पीछे वो अपनी फेक करेंसी के धंधे को भी चला सके। दूसरी तरफ मेगा को पता चलता है कि सीसी फाट वाले न्यू ऑफिसर्स को अपनी टीम में ले रहे, तो वो भी वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो अपने टैलेंट से माइकल को इम्प्रेस कर लेती है और इसीलिए माइकल उसे अपनी टीम में रख लेता है। पर कुछ दिनों तक वहां पर कोई भी काम नहीं होता है इसीलिए वो बोर होने लगती है और तब वो माइकल के सामने सनी के फेक नोट के बारे में बताती है और कहती है कि ये नोट जिस रेस्टोरेंट में उसने पकड़ा था वहाँ के आसपास के उसने कुछ 11 प्रिंटिंग प्रेस की लिस्ट बनाई है, अगर वो परमिशन दे तो वो पुलिस के साथ जाकर वहाँ पर एक बार चेक कर सकती है। पर माइकल इसके लिए परमिशन नहीं देता है क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी मंसूर को पकड़ना था। पर फिर भी मेगा माइकल की मोहर को चुपचाप लगाकर पुलिस इंस्पेक्टर सिंधे के पास पहुंच जाती है और उससे उन 11 प्रिंटिंग प्रेस पर जाकर देखने को कहती है। सारी प्रिंटिंग प्रेस को देखने के बाद वो लास्ट में क्रांति प्रेस पर आते हैं जो बाहर से बंद होती है और अंदर सनी फिरोज और यासिर के साथ फेक करेंसी छाप रहा होता है क्योंकि कल उसे MLA का कंसाइनमेंट पहुंचाना था। इसलिए यासिर जब उनसे मिलने आता है तो वो उसे प्रेस खोलकर देखने के लिए कहते हैं और उधर सनी और फिरोज सारे नोट्स को छुपाने में लग जाते हैं। यासिर बहुत बहाने मारता है पर फिर भी वो लोग प्रेस ओपन कराकर अंदर एंटर कर जाते हैं जहाँ पर लाइट चले जाने से वो मोबाइल टॉर्च से इधर उधर देखने लगते हैं। तभी मेगा डस्टबिन की तरफ जा रही होती है और सनी को पता चलता है कि डस्टबिन में कुछ नोट्स पड़े हुए हैं और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे आता है। पर तब तक मेगा के पास माइकल की कॉल आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि मेगा ने उसकी मोहर लगाकर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है, इसीलिए वो तुरंत उसे वापस आने के लिए कहता है और इस तरह से मेगा वहां से चली जाती है और सनी बाल बाल बच जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वहां पर सनी के नानू आ जाते हैं और उनके हाथों में वहां पर रखे कुछ पैसे होते हैं। यह देखकर सनी बहुत डर जाता है पर वो सनी से कहते हैं कि ये पैसे ले जाकर वो रतन को दे दे और अपनी क्रांति प्रेस को बचा ले। दरअसल कभी कभी नानू चीजों को भूल जाते थे क्योंकि उम्र के साथ उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई थी और इस तरह से एक बार फिर से सनी अपने नानू से भी बच जाता है। उधर माइकल मेगा के इस कारनामे की वजह से उस पर गुस्सा होता है और उसे वार्निंग देता है कि अगली बार वो उसे फायर कर देगा। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे सनी और फिरोज MLA के लिए बनाई गई फेक करेंसी को उसे देने के लिए जा रहे होते हैं
जहां पर रास्ते में उन्हें चेक पोस्ट पर पुलिस रोक लेती है और उन्हें चेक कराने को कहती है, और वहां पर चेक करने पर उन्हें कुछ शराब की बोतल्स मिलती है और उन्हें लगता है कि शराब की डीलिंग कर रहे हैं। इसीलिए सनी उन्हें कुछ पैसे देकर वहां से निकल जाता है और उन फेक करेंसी के बदले रियल पैसे लेकर वहां से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद पहले तो वो क्लब में जाकर खूब मस्ती करते हैं और फिर जब वो वहां से वापस अपने प्रेस पर आते तो उन्हें वहां पर नानू मिल जाते, जहां पर नानू को सनी के कारनामे के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। इसीलिए वो सनी और फिरोज पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि वो भी अपने बाप की तरह ही निकला, और इसीलिए वो उन दोनों को वहां से भगा देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 की भी एंडिंग हो जाती है। सीरीज के 4th एपिसोड में मिनिस्टर गहलोत मेघा द्वारा बनाए गए CT-600 को एक नया नाम धनरक्षक से लॉन्च करते हैं और उसको हर काउंटिंग वाली मशीन में इंस्टॉल करने की परमिशन देते हैं। उसके बाद माइकल अपने बेटे ब्योम को 4 घंटों के लिए अपने साथ घुमाने ले जाता है, जहां पर रेखा के मना करने के बाद भी वो उसे बाहर का खाना खिलाता है और उसकी वजह से ब्योम के लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसे 4 घंटे से पहले ही घर छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ सनी फिर से अपनी पेंटिंग्स बेचने वाले काम को करने लगता है और यासिर उसे आकर कहते हैं कि वो वीक में एक दिन आकर नानू से माफी मांगता रहे, शायद वो उसे माफ कर दे। कुछ दिन बाद माइकल को रेखा डिवोर्स पेपर भेजती है जिससे माइकल बहुत सैड हो जाता है और वो गुस्से में उसके फ्रेंड अर्जुन को सुना देता है। दूसरी तरफ यासिर को नानू कहीं मिल नहीं रही होते हैं, इसीलिए सनी फिरोज के साथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाता है, पर पुलिस वाले उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते हैं और तब वो गुस्से में ACP पर अपना ज्ञान झाड़ने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस उन दोनों को लॉकअप में बंद कर देती है और यासिर उन्हें छुड़ाने के लिए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि नानू मिल चुके हैं, वो याददाश्त की वजह से कहीं भी गली में घूम रहे थे। जब सनी उनके पास आता है तो वो भूल चुके होते हैं कि सनी को उन्होंने उसके कारनामों की वजह से खुद से दूर कर दिया था, और इसीलिए सनी उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए यासिर से कहता है, क्योंकि वो अपने नानू को इस तरह से नहीं देख सकता था। और जब वो इस बारे में एक डॉक्टर से जाकर मिलते हैं तो वो उन्हें बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द नानू के ब्रेन की सर्जरी करनी होगी, पर उसके लिए कुछ ही स्पेशलिस्ट ऐसा कर सकते हैं और उनका अपॉइंटमेंट भी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। उधर धनरक्षक को पूरे देश की काउंटिंग मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसे ऐसे फंक्शन कराया जाता है कि अगर कोई फेक करेंसी लेकर आएगा तो वो उसे डिडक्ट करके तुरंत उसकी पूरी डिटेल्स उन्हें पहुंचा देगा। ये माइकल और उसकी टीम की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसलिए वो सब पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं, जहां पर माइकल को एक जर्नलिस्ट मीरा दिखाई देती है, जिसकी वजह से माइकल की लाइफ पूरी तरह से मैसअप हो गई थी। और वहां से वापस आते टाइम शेखर मेगा को बताता है कि मीरा की वजह से कुछ साल पहले माइकल को डिमोट कर दिया गया था, साथ ही उन पर 13 फेक केसेस भी लगाए गए थे जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी, और इस इंसल्ट की वजह से उनके एक साथी दवे ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से ही माइकल बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था, क्योंकि उस इंसिडेंट का असर माइकल पर बहुत बुरी तरह से पड़ा था। अब धनरक्षक की वजह से देश के हर कोने से फेक करेंसी पकड़ी जाने लगती है और इस तरह से मंसूर का फेक करेंसी का सारा धंधा चौपट हो जाता है, क्योंकि वो जो भी फेक नोट्स बनाता था वो सब धनरक्षक इजीली डिटेक्ट कर लेती थी। इन सब से मंसूर बहुत परेशान होता है और तभी उसे अपने एक आदमी से पता चलता है कि मुंबई में कोई 500 के फेक नोट बनाता था और उसका नाम आर्टिस्ट था, जिसके नोट को देखने पर मंसूर को वो बिल्कुल असली लगता है और उस नोट को धनरक्षक भी नहीं पकड़ पाती है। इसीलिए इंडिया आकर मंसूर सनी और फिरोज को किडनैप करा लेता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए मनाता है, क्योंकि मंसूर को पता चल चुका था कि सनी एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। पहले तो सनी इसके लिए मना करता है, पर मंसूर जब उसे थ्रेट करता है तो वो उसके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी अभी तक बहुत सारे पैसे कमाने का लालच खत्म नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट डे से सनी और फिरोज मिलकर मंसूर की प्रिंटिंग लैब में फेक करेंसी को छापने में लग जाते हैं और काफी लग्जरी लाइफ भी जीने लगते हैं। उसके बाद मंसूर सनी को अपने खास आदमी बिलाल से मिलवाता है, जो कि करेंसी की सारी डीलिंग्स देखता था। उधर बेचारा माइकल अपने डिवोर्स को बचाने के लिए एक न्यू लॉयर अपॉइंट करता है और उसे अपने एक इन्फॉर्मर से पता चलता है कि इस टाइम पर बिलाल बांग्लादेश में डीलिंग करने वाला है, और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए वो अपनी टीम को रेडी करता है। उधर डॉक्टर सनी को बताती है कि उसके नानू की सर्जरी के लिए एक स्पेशलिस्ट सर्जन रेडी हो गए हैं और उसे एक भी पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, और ये सब मंसूर ने सनी के लिए अरेंज किया था। इससे सनी बहुत खुश होता है और नानू को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ माइकल अपनी टीम के साथ बिलाल को पकड़ने के लिए बांग्लादेश की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करता है, पर बिलाल को शक हो जाता है
कि मिलिट्री उसके पीछे है, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर माइकल अपनी टीम के साथ उसका पीछा करता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है। अब बिलाल के पकड़े जाने के बाद मंसूर से मिलने एक लड़की आती है जो उसकी भी बॉस होती है, और वो बिलाल के रिप्लेसमेंट को ढूंढने के लिए उससे कहती है क्योंकि उन्हें जल्दी ही अपने पैसे को मार्केट में लेकर जो आना था। उधर माइकल बिलाल को एक सीक्रेट लोकेशन पर रखता है और वहाँ पर उससे पूछताछ करता है। जब बिलाल उसे कुछ भी बताने को रेडी नहीं होता है तो वो उसके एक पैर में गोली मार देता है, और तब बिलाल के पास से माइकल को कुछ फेक करेंसी मिलती है जिसे सनी ने बनाया था, और वो करेंसी को धनरक्षक भी नहीं पकड़ पा रहा था। ये बात जानकर माइकल और मेगा दोनों को बहुत सरप्राइजिंग लगता है। और उधर हॉस्पिटल में नानू से मिलने मंसूर आता है और फिर वो सनी से बिलाल की जगह काम करने के लिए कहता है। सनी पर पहले से ही मंसूर का एहसान था, इसीलिए वो उसे मना नहीं कर पाता है, और वो सनी से कहता है कि उसे माइकल की टीम की सारी खबर चाहिए कि वो आगे क्या करने वाले हैं जिससे वो अपने रूट को चेंज कर सके। पर ये सब जानने के बाद यासी सनी से मंसूर के साथ काम करने के लिए मना करता है, पर इस टाइम पर सनी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उन्हें गुस्सा करके वहाँ से भगा देता है, और जमाल से बोलकर माइकल की पूरी टीम की जानकारी उसे देने के लिए कहता है, जिससे उसे पता चलता है कि माइकल की टीम में एक मेघा नाम की लड़की भी काम करती है, और तब सनी उसका यूज करने के बारे में सोच लेता है। उधर माइकल बिलाल से मिलने आता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे प्रोटेक्शन देगा अगर वो मंसूर के बारे में उसे सब कुछ बता देगा, और तब बिलाल उसे बताता है कि मंसूर के साथ अभी एक आर्टिस्ट नाम का बंदा जुड़ा है जो उसके लिए फेक करेंसी छापता है। दूसरी तरफ एक कैफे में सनी मेगा से जाकर मिलता है और थोड़ा बात करने के बाद उसके करीब आ जाता है। उसी टाइम सनी को पता चलता है कि मेगा एक फ्लैट ढूंढ रही है, और इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसका नंबर ले लेता है, और नेक्स्ट डे मेगा को एक अच्छा सा फ्लैट रेंट पर दिलवा देता है जिससे मेगा उससे इम्प्रेस हो जाती है, और फिर वो अक्सर मिलने लगते हैं। इसी बीच सनी थोड़ी देर के लिए बहाने से मेगा का फोन ले लेता है और उसमें एक ऐप इंस्टॉल कर देता है जिससे मेगा पर आने वाले सारे मैसेजेस और कॉल्स अब सनी के फोन पर भी आने लगते हैं, और इस तरह वो मेगा के हर एक मूव पर नजर रखने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में मंसूर सनी को बताता है कि ओमान से एक बहुत बड़ा फेक करेंसी का कंसाइनमेंट उन्हें इंडिया लेकर जाना है, जो कि बहुत ही रिस्की काम होता है क्योंकि माइकल की टीम उन पर नजर रखे हुए थी। अब इस बारे में जब माइकल को अपनी खबरी से पता चलता है तो वो उसके मैसेज को डिकोड करने के लिए बिलाल के पास आता है, और तब बिलाल उसे बताता है कि एक कंसाइनमेंट 12,000 करोड़ रुपए का है। यह सुनकर माइकल शॉक हो जाता है क्योंकि यह अब तक की सबसे बड़ी डील थी। उधर सनी मेगा के साथ डेट पर जाता है जहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रोजी आ जाती है, और वो उसे मेगा के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है। तभी मेगा के पास माइकल का मैसेज आता है कि वो जल्दी से ऑफिस आ जाए, कुछ ब्रीफ करना है। अब मेगा के फोन को हैक करने की वजह से इस बारे में सनी को भी पता चल चुका होता है, और ऑफिस जाने के बाद माइकल अपनी टीम के साथ मंसूर के सारे पॉसिबल रूट्स को ट्रैक करने में लग जाता है, और इस बारे में मेगा के फोन की वजह से हर बार सनी को सब पता चलता रहता है, और उसके सारे पॉसिबल रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा था कि वो अपने इस कंसाइनमेंट को बाई सी पोर्ट पर लैंड कराएं, इसलिए वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर कुछ फेक नोट्स पकड़वा देते हैं जिससे माइकल की टीम और पुलिस डाइवर्ट हो जाते हैं, और ये वो रुपए थे जो मंसूर पहले बनाया करता था। इससे माइकल समझ जाता है कि मंसूर जरूर कुछ अलग प्लानिंग कर रहा है, और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सनी और फिरोज ओमान पहुंचते हैं और वहां पर एक ओल्ड शिप को हायर करते हैं और अपने सारे फेक करेंसी को कंटेनर में डालकर उसमें चढ़ा देते हैं। पर पोर्ट पर पहुंचने से कुछ देर पहले जमाल से सनी को पता चलता है वहां पर नारकोटिक्स की एक टीम सर्च कर रही है, इसीलिए वो उस जगह पर नहीं आकर कहीं और चले जाए। अब वो वापस ओमान तो नहीं लौट सकते थे क्योंकि उनके पास अब ज्यादा फ्यूल नहीं बचा था, इसीलिए वो उन कंटेनर्स को मुंबई बीच से थोड़ा दूर पानी के अंदर GPS लगाकर डाल देते हैं और उस जहाज से मुंबई बीच पर आ जाते हैं। अब इतनी बड़ी शिप को बीच पर देखकर न्यूज वाले वहां पर पहुंचकर इस न्यूज को टीवी पर दिखाने लगते हैं, और जब इस न्यूज को माइकल देखता है तो वो समझ जाता है कि मंसूर ने 22 ही अपना कंसाइनमेंट पूरा करने का प्लान बनाया है, और जब वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है तो उस शिप में कोई भी नहीं होता है क्योंकि सनी वहां से निकलकर अपने कंटेनर के पास पहुंच चुका होता है, और उसके बाद वो सारे पैसे को वहां से निकाल कर ले आता है और उन पर बैठकर एंजॉय करने लगता है। उसके बाद उन दोनों की लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है और वो लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। उधर मिनिस्टर गहलोत मीडिया के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए कहना चाहते हैं कि उन्होंने देश से काउंटरफीटिंग को खत्म कर दिया है, पर इसके लिए माइकल उनसे मना करता है
क्योंकि अभी भी मार्केट में फेक 12,000 करोड़ रुपए घूम रहे थे, जिन्हें उनका धनरक्षक भी नहीं पकड़ सकता था। उधर सनी अपने नानू के पास आता है और उनकी क्रांति पत्रिका को ऑनलाइन लेकर जाता है, जो उनका बहुत सालों से सपना भी था। इससे सब बहुत खुश होते हैं, पर यासिर को ये सब गलत लग रहा होता है, क्योंकि इसकी वजह से सनी अब क्रिमिनल बन चुका था। इसीलिए वो लास्ट बार उसे समझाने आते हैं, पर सनी को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उधर कोर्ट में माइकल के बेटे को किसके साथ रखना होता है, इस पर सुनवाई चल रही होती है, जहां पर माइकल का लॉयर रेखा के लॉयर के सामने फीका पड़ जाता है। दूसरी तरफ सनी और मेघा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, और जब वो उसके फ्लैट पर आता है तो वहां पर वो मेघा के कलेक्शन में कुछ फेक नोट देखता है, जिसमें सनी का भी नोट होता है। और वो सनी से कहती है कि लोग कितने भी तेज क्यों नहीं हो जाएं, एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। उसके बाद वो लोग बाहर खाना खाने जाते हैं और वापस आकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस का मतलब उनमें प्यार हो चुका था। किस के साथ कुछ ऐसा भी होता है कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, समझ रहे हो। अब सनी को मेघा की जासूसी करने की जरूरत नहीं लगती है, इसलिए वो स्पाई ऐप को अनइंस्टॉल कर देता है। उसके बाद सनी के पास अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने सारे पैसे को मार्केट में कैसे लेकर आए, और मंसूर भी जल्द से जल्द इस पैसे को मार्केट में उतारने के लिए फोर्स कर रहा होता है। उधर मेघा अपनी रिसर्च से पता करती है कि जो सैंडविच नोट उसने रेस्टोरेंट से पकड़ा था, वो ही सेम नोट इस टाइम पर सुपर नोट था, और ये दोनों नोट एक ही पर्सन ने बनाए थे, आर्टिस्ट। और हाल ही में CBI ने गुजरात के MLA के घर से कुछ फेक नोट पकड़े थे, वो भी सेम आर्टिस्ट के बनाए हुए ही नोट थे। इसलिए अब उनका मेन फोकस आर्टिस्ट को पकड़ना होता है, और उसके लिए माइकल MLA से जाकर मिलता है और उसे आर्टिस्ट के बारे में बताने को कहता है। मगर क्योंकि CBI MLA के पीछे थी, इसीलिए उसे आर्टिस्ट के बदले में सियोरिटी चाहिए होती है कि वो CBI को उसके पीछे से हटा देंगे, और वो सियोरिटी सिर्फ मिनिस्टर गहलोत ही दे सकते थे, पर उसे कन्विंस कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए माइकल प्लान करके मीडिया को न्यूज दे देता है कि मार्केट में 2000 फेक करेंसी फ्लो कर रही है। और इस न्यूज के बाद गहलोत की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो बोल चुके थे कि उन्होंने काउंटर फिटिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और इससे बचने के लिए माइकल उन्हें बताता है कि अगर वो आर्टिस्ट को पकड़ने के लिए MLA को सियोरिटी दे देंगे तो ये न्यूज इस न्यूज के साथ दब जाएगी कि मंसूर का खास आदमी पकड़ा गया है, और इसलिए वो MLA को सियोरिटी दे देते हैं, और उसके बदले में MLA माइकल की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और तब MLA फिरोज से डील करता है कि उसे 100 करोड़ रुपए की फेक करेंसी चाहिए, पर इसमें सनी को थोड़ा रिस्क लग रहा होता है, पर फिरोज के कहने पर वो इस डील को करने के लिए एग्री हो जाता है। माइकल का प्लान था कि जब सनी और फिरोज इस डील को करने के लिए आएंगे तो वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे। और उधर मंसूर पर उन 12,000 करोड़ रुपयों को जल्द से जल्द मार्केट में फैलाने के लिए हाई कमांड का प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि मंसूर से भी ऊपर उसका कोई बॉस था, और इसीलिए वो सनी को जल्दी से इस स्टॉक को खाली करने के ऑर्डर्स देता है। इसी बीच मंसूर को पता चलता है कि उसके गैंग में एक आदमी माइकल का खबरी है, और इसीलिए वो उसे पकड़कर सनी के सामने ही मार देता है, जिससे फिरोज थोड़ा डर जाता है। अब नेक्स्ट डे फिरोज सनी को बताता है कि MLA ने डील करने के लिए एक मॉल को चूज किया है। और उधर माइकल और रेखा का डिवोर्स हो जाता है, और उसके बेटे व्योम को रेखा के साथ ही रखने का फैसला कोर्ट लेती है, जिससे माइकल को काफी बुरा लगता है। अब डील करने से पहले सनी अपने नानू से मिलने आता है, जहां पर नानू सनी से कहते हैं कि उन्हें सपने आते हैं कि वो कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। इस पर सनी उन्हें बोलकर चला जाता है कि वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा है। उसके बाद सनी और फिरोज डील करने के लिए मॉल के बेसमेंट में रुकते हैं और MLA के आने के बारे में सोच रहे होते हैं, और तभी माइकल की टीम सिविल ड्रेस में उन्हें पकड़ने के लिए रेडी होती है। अब मेघा को तो सनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ सनी से डील करने के लिए पार्किंग लॉट में आती है, जहां पर सनी उसे अपनी तरफ आता देखकर वहां से भागने लगता है, पर मेघा उसका फेस नहीं देख पाती है, और वहां से भागते हुए माइकल सनी का फेस जरूर देख लेता है, पर सनी उसे पुश करके वहां से भाग जाता है। माइकल और पुलिस वाले भी सनी की कार का पीछा करते हैं, पर सनी चालाकी से उस कार में रखे नोट्स को उड़ाने लगता है, जिससे पब्लिक पैसा देखकर पागल हो जाती है और जाम लगाकर उन पैसों को लूटने में लग जाती है। पर आगे चलकर सनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सनी वहां से फिरोज के साथ जान बचाकर भाग जाता है। इस तरह माइकल उन्हें मिस कर देता है। अब इस न्यूज से मंसूर को सबकी नजरों में फाइनेंशियल टेररिस्ट बता दिया जाता है, जिससे मंसूर की परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही सनी के पैसे उड़ाने की वजह से नुकसान भी होता है, इसलिए वो अपने आदमी जमाल से उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। और उधर माइकल मॉल के CCTV फुटेजेस से सनी की फोटो को ट्रैक करके उसे क्लियर करने को कहता है, क्योंकि वो क्लियर नहीं आई थी।
अब इस इंसिडेंट के बाद से फिरोज बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अब तो पुलिस और मंसूर दोनों ही उनके पीछे पड़े हुए हैं। तभी सनी जमाल को फोन करता है और जमाल उसे पुलिस से बचाने के लिए मिलने को कहता है। और उधर मंसूर को हाई कमान से ऑर्डर मिलता है कि वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। पर तभी जमाल उसे कॉल करके सनी के बारे में बता देता है। और तब मंसूर जमाल से सनी और फिरोज को रास्ते से हटाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए जमाल सनी और फिरोज को एक सुनसान सी जगह पर लेकर आता है और वहां पर मारने की कोशिश करता है। पर इस बारे में पहले सनी को शक हो गया था, इसीलिए उसने अपनी लाइव लोकेशन अनीस को सेंड कर दी थी। और उसकी वजह से अनीस अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है और वहां से उन दोनों को बचाकर ले जाता है। पर थोड़ी देर बाद सनी को यासीर की कॉल आती है और वो बताता है कि मंसूर के लोगों ने क्रांति प्रेस को आग लगा दी, और जिस टाइम पर उन्होंने आग लगाई थी उस टाइम पर नानू प्रेस के अंदर ही थे, जिसमें वो भी जलकर मर गए। यह सुनकर सनी एकदम से टूट जाता है और वो अनीस से बोलकर फिरोज को वहां से किसी दूसरे सिटी में भेजने के लिए बोल देता है। और अपने नानू की मौत का बदला लेने के लिए वो मंसूर की फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां पर उसने 12,000 करोड़ रुपयों को छुपा कर रखा हुआ था। वहां पर पहुंच कर वो जमाल के साथ उसके सारे साथियों को मार देता है और मंसूर को वीडियो कॉल करके कहता है कि वो उसे भी मारने के लिए आ रहा है। साथ ही वो मंसूर के सामने उन 12,000 करोड़ रुपयों को आग लगा देता है। इससे मंसूर को बहुत बुरा लगता है और उधर मेगा सनी की फोटो को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि सनी ही आर्टिस्ट है। और इसी के साथ इस सीरीज की